ये गांधी का गुजरात है तो ये पटेल का भी गुजरात है। जी हाँ, वही सरदार पटेल जिसको हर राजनीतिक पार्टी अपना बनाने की होड़ में दिखाई देती है। इसी नाडियाड में उनका जन्म हुआ था और हम आपको लेकर आए हैं उनकी जन्मस्थली में। छोटा सा घर, लेकिन यहीं से हिंदुस्तान की राजनीति का एक ऐसा बच्चा आगे निकला जिसने लगभग पूरे देश की राह को आगे आने वाली सदी के लिए मोड़ दिया। आइए आपको दिखाते हैं सरदार पटेल का ये छोटा सा घर। राजनीति में आजकल विरासत की लड़ाई होती है और ऐसे ही सरदार पटेल की विरासत को हथियाने के लिए हर पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन ये छोटी सी शुरुआत, ये छोटा सा घर और यहीं से सरदार पटेल इस देश की राजनीति में कैसे आगे बढ़े और किस मकाम पर पहुंचे, ये सबने देखा। यहाँ पर आते हैं नेता, आते हैं दोनों पार्टियों के। जब से मोदी जी ने सरदार पटेल को हाईलाइट किया है उसके बाद से ही दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते हैं। राहुल गांधी भी अभी आए। हाँ, राहुल गांधी भी अभी आए थे। मतलब आपका कहना है कि मोदी जी ने जब से कहा कि सरदार पटेल पर नाज है देश को, उसके बाद से कांग्रेस भी जाएगी। हाँ, बस उसके बाद ही आते हैं, बाकी पहले कोई आता नहीं था। 31 अक्टूबर को घर खुलता था, सब नेता लोग आते थे, हर सरदार की तस्वीर को चढ़ा के वापस चले जाते थे।